अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग एक्सबॉक्स के ओरिजिनल कंट्रोलर की, जो सीरीज़ एक्स के साथ यूज़ होता है, और जब जितना भी लेटेस्ट सीरीज़ चल रही है एक्सबॉक्स की, उसके साथ जो यूज़ होता है। और इसकी प्राइसिंग की बात मैं लास्ट में करूँगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे नीचे सील लगी हुई है, तो पहले बॉक्स के बैक पे देखते हैं। तो यहाँ पे कोई और लैंग्वेज में मेंशन हुआ है, नीचे माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक्सबॉक्स के कंट्रोलर की पिक्चर बनाई हुई है। और इस साइड पे इन्होंने ये ब्लूटूथ और इस तरह के निशान वगैरह बनाए हैं, सिंबल्स यूज़ किए हैं, और बाकी ये कंप्लीट डिफरेंट लैंग्वेज में है, तो इसको पढ़ना मुश्किल है। और हम यहाँ से इसकी सील ओपन कर लेंगे। ये एक दो दफ़ा मैंने ऐसे इसको खोलने की कोशिश की थी, तो यहाँ से ही थोड़ी रफ़ हो रही है, और इसको मैं थोड़ा सा निकाल दूँ। ये बहुत ज़्यादा टाइट है। तो अब यहाँ से ये खुल गया है बॉक्स। जब हम इसको ओपन करते हैं, इसका स्टाइलिश तरीका है बहुत, जो PS4 के कंट्रोलर है उस पैकिंग के मुकाबले एक्सबॉक्स के कंट्रोलर की पैकिंग बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील होती है। टॉप पे जो है हमें ऐसे, ये हमारा कंट्रोलर है, और यहाँ पे एक्सबॉक्स मेंशन है। अगर आप करीब से एक कैमरा फोकस करें तो एक्सबॉक्स यहाँ पर मेंशन हुआ हुआ दिख रहा है। तो इसके बाद ये हमने कंट्रोलर लेते हैं, उसके नीचे हमें मिलती हैं यहाँ पे दो बैटरीज, जो कि रिचार्जेबल बैटरीज नहीं लग रही मुझे। हाँ, ये नॉन रिचार्जेबल बैटरीज हैं। और ये इस तरह यहाँ से खुलता है, तो यहाँ पे ये बैटरीज इंसर्ट हो जाती हैं। और यहाँ पे इसके बटन्स हैं, यहाँ से चार्जिंग के लिए यहाँ पे जगह दी है, और नीचे हम लोग अपने हेडफोन्स कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा इसकी जो प्लेसमेंट है वो डिफरेंट होती है एक्सबॉक्स के, सॉरी PS4 के मुकाबले इसकी प्लेसमेंट डिफरेंट होती है थोड़ी सी, लेकिन यूज़ करने में दोनों बहुत अच्छे और इजी रहते हैं। तो ये इसका कैरम ब्लैक कलर है, बहुत ज़्यादा स्मूथ फिनिशिंग। और यहाँ पर ऊपर ये बटन है, जब हम पेयर करते हैं एक्सबॉक्स के साथ यूँ करके, तो ये पेयरिंग शुरू हो जाती है इसकी। ये एक बटन है यहाँ पर, एक ये है, और यहाँ पर ये दो हैं। बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है इसमें PS4 के कंट्रोलर के मुकाबले में। और अब मैं इसकी प्राइसिंग की बात करता हूँ आपसे। तो इसकी प्राइस है ऑलमोस्ट 12,000 रुपये मार्केट में, या आउटलेट वगैरह जो है एक्सबॉक्स के उसके ऊपर 12,000 रुपये में मिलता है ये हमें पाकिस्तान में। और अगर हम इसकी होलसेल में रिटेल प्राइस की बात करें, तो ये 8 से 9 हज़ार की रेंज में हमें ये मिलता है, इससे कम ये कहीं भी नहीं मिलेगा। और इसके नीचे मैंने कुछ चेक नहीं कराया, इसके नीचे जब हम हटाते हैं लिड, तो यहाँ पे है एक एक्सबॉक्स की वारंटी गाइड और रेगुलेटरी गाइड वगैरह। यहाँ पे ये भी डिफरेंट लैंग्वेज में मेंशन है, तो इसको पढ़ना मुश्किल है, इसमें इंग्लिश भी होगी। और ये है कुछ पेपर वर्क है इसके साथ, थोड़ा यूज़र मैनुअल गाइड वगैरह, यहाँ पर सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं। और इसके साथ इन्होंने काफ़ी सारे पेपर वर्क दिए हैं, जो एक सेम ही है ये असल में, इन्होंने ये 3-4 दे दिए हैं एज अ पम्फलेट, तो ये है सेम ही। और ये नीचे इसकी एक QR स्कैनर में होता है, तो उसमें यूज़ होता है ये। और बस इतना ही थी इसकी अनबॉक्सिंग। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।